बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक। आज हम विश्व के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। ये साथियों इतिहास के नोट्स है और इन नोट्स में आपको विश्व के इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे वो जानकारी देने से पहले सबसे पहले मैं साथियों आप को एक जानकारी और देना चाहता हूँ, वो है टाइम मैनेजमेंट से संबंधित। ये डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की काफ़ी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है साथियों। इसको पढ़ने के बाद आप जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। अब साथियों उसके बाद में हमारे चैनल पर आपको कौन कौन सी पुस्तक का रिव्यू मिलेगा वो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले नेट जेआरएफ के लिए साथियों ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण गाइड है, उसके बारे में रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये आईएएस के जो टॉपर्स नोट्स होते हैं साथियों वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो तो यहाँ पर साथियों राजस्थान के इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की एक महत्वपूर्ण गाइड है जिसका रिव्यू हमारे चैनल पर किया गया है। साथियों राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपरा, विरासत, ये है डॉक्टर हुकुमचंद जैन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, इसका भी रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए ये जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास, इस पुस्तक का रिव्यू भी हम कर चुके हैं साथियों। विपिन चंद्र जो कि आधुनिक भारत का इतिहास है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पर। इतिहास ये है महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार, आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है साथियों। विश्व का इतिहास भी एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की, इस पुस्तक का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। किरण पब्लिकेशन के साथियों भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है, इसके अंदर काफ़ी विस्तार के साथ समझाया गया है, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में। ये है साथियों आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले साथियों भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, जिसके अंदर 2300 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दृष्टि आईएएस के काफ़ी विस्तार के साथ समझाया गया है। अब साथियों एमसीक्यूज के लिए एक और महत्वपूर्ण गाइड है मेरे पास में जो कि दिशा पब्लिकेशन की बहुत ही रामबाण पुस्तक है साथियों। ये अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिशा पब्लिकेशन की ये जो पुस्तक है 10,000 प्लस महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको पढ़ने के बाद, ये दोस्तों 2021 का लेटेस्ट वर्जन है, इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों आपको हमारे चैनल पर कला एवं संस्कृति ये जो दृष्टि की एक पुस्तक है इसका भी रिव्यू मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। और साथियों जो टॉपर्स नोट्स है आईएएस के ये भी इतिहास से संबंधित है, इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है या फिर कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए वो देखने के लिए भी आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। ये है साथियों आधुनिक विश्व का इतिहास, काफ़ी बड़ी गाइड है लेकिन साथियों विश्व के इतिहास को कितना विस्तार के साथ इस गाइड में दिखाया गया है, समझाया गया है, वो जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलने वाली है। एक और महत्वपूर्ण जो टॉपर्स नोट्स है आईएएस के ये भी जानकारी आपको मिलने वाली है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये साथियों सभी जितनी पुस्तक मैंने दिखाई है सभी इतिहास से संबंधित है, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या फिर विश्व का इतिहास हो, पूरी जानकारी इन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अगर साथियों आप सामान्य ज्ञान की ये विवाह पुस्तक ये पढ़ सकते हो या फिर ल्यूसेंट आपके पास में है तो कमेंट जरूर कीजिए कि ल्यूसेंट किस किस के पास है। एक और महत्वपूर्ण गाइड मैं बताऊंगा साथियों इस वीडियो के अंत में जो होगी आप सबके लिए रामबाण साबित किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए सबसे पहले जो नोट्स सबसे पहले मैंने प्रारंभ में बताए थे आपको जो नोट्स है विश्व के इतिहास से संबंधित, इसमें आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए वो मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले साथियों आप इस वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमें जो ऊर्जा मिलती है, हमें जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी के स्रोत आप हो जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हो। अगर आप लाइक करते हैं तो साथियों हमें ऊर्जा मिलती है, हमें मोटिवेशन आपके द्वारा मिलता है, आप जो कमेंट करते हो, आप जो लाइक करते हो उसके माध्यम से। आज साथियों विश्व के इतिहास में सबसे पहले हम पुनर्जागरण वो पढ़ेंगे, उसके बाद में समाजवादी विचारों का उदय कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उनका पूरा जानकारी इस पुस्तक में या फिर ये जो नोट्स है इसमें दिया गया है। अमेरिका की क्रांति, अमेरिका का गृह युद्ध,
फ्रांस की जो क्रांति है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। औद्योगिक क्रांति जो कि इंग्लैंड में हुई थी उसके बारे में जानकारी पूरी दी गई है साथियों, और उस समय जो प्रमुख आंदोलन हुए थे उसके बारे में भी जानकारी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। इंग्लैंड में जो संसदीय संस्थाओं का विकास हुआ उसके बारे में जानकारी दी गई। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है वो जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, रूस की जो प्रमुख क्रांति है उसके बारे में जानकारी दी गई, फांसीवाद एवं नाजीवाद क्या है उसके बारे में जानकारी दी गई है साथियों। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है या फिर इन नोट्स में दिया गया। चीन की जो क्रांति है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शीत युद्ध किन किन के मध्य हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उनके बारे में भी जानकारी अगर चाहिए तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो। इनकी पीडीएफ ये तो कमेंट जरूर कर दीजिए। तृतीय विश्व जिसमें हम गुट निरपेक्ष इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई साथियों, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी जानकारी दी गई है। यूरोप का एकीकरण, अब साथियों यूरोप का जो एकीकरण है, नाटो, यूरोपीय संघ, इनके बारे में जानकारी दी गई है। सोवियत संघ का विघटन और एक ध्रुवीय विश्व है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक मुक्ति इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब साथियों अगर आपको इस प्रकार के नोट्स का पीडीएफ चाहिए कमेंट जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार के साथ यहां पर प्रत्येक टॉपिक को समझाया गया है। बाकी साथियों अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, जो भी पुस्तक आपको चाहिए, परचेज करने से पहले एक बार गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च ज़रूर कर लीजिए उस पुस्तक के रिव्यू के बारे में। उसका रिव्यू देखने के बाद में आपको क्या करना है, उसके जो मेरे जैसा कोई ना कोई ऐसा होगा बंदा जो किसी न किसी पुस्तक का रिव्यू ज़रूर किया होगा, अगर साथियों उसका रिव्यू किया जा चुका है तो आपको क्या करना है, उस पुस्तक के प्रत्येक टॉपिक को मिलाना है अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में, कि मेरे सिलेबस के अनुसार मेरे लिए कौन सी पुस्तक बेस्ट होगी। अब मैंने इतिहास की तो 27 पुस्तक का रिव्यू किया है, 27 पुस्तक आपको पढ़नी नहीं है, आपको वही पुस्तक पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। और मैंने आपको बताया था वीडियो के अंत में, एक आपको वीडियो के इस एंड में ऐसी रामबाण पुस्तक बताने वाला हूं जो किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। तो ये है साथियों सामान्य अध्ययन पेपर 1 मनोहर पांडे की अरियन पब्लिकेशन की, इसका रिव्यू भी हमारे द्वारा किया जा चुका है। अब साथियों आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो साथियों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दूसरे भाई बहनों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए उम्मीद, नई जोश के साथ, नई आशा की किरण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए बार बार। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।